देख लीजिए किस तरीके से 51 लाख पेड़ लगाने की तैयारी, 51 लाख पौधे लगाने की तैयारी मध्य प्रदेश के जो हैं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जाने माने भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और संगठन में भी उन्होंने काम किया और अब वो मंत्री भी हैं। पहले भी मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश शासन में और फिर वापस वो मोहन सरकार में मंत्री हैं। ज़बरदस्त कार्यशैली है उनकी काम करने की। वो पश्चिम बंगाल के जो हैं प्रभारी भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र द्वारा महासचिव भी रहे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव। तो उन्होंने देख लिया किस तरीके से मुहिम छिड़ रखी है, 51 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है और किस तरीके से साफ निर्देश भी दे रहे हैं कि आप भी पौधे लगाएं और पर्यावरण में सुधार करें। जिस तरीके से जो है प्रदूषण फैला हुआ है उससे शुद्ध न आए, इंदौर से ये खबर है। आप देख रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय को, आप देख पा रहे हैं किस तरीके से वो खुद गड्ढे करवा रहे, खड़े हुए हैं मैदान में, डटे हुए हैं। देख लीजिए शारदस्तक न्यूज पर, मैं हूँ आपका साथी इनके बारे में। ये आप देख रहे हैं गड्ढे होते हुए, ये 51 लाख पेड़ों लगाने की तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। ये BSF का परिसर है। हमारे साथ असिस्टेंट कमांडर नरेश कुमार जी हैं, राजेंद्र जी हमारे जनकार समिति के अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ के पार्षद साहब हैं कमलेश खंडेलवाल जी हैं। पूरे शहर के अंदर ये गड्ढे कराने का काम प्रारंभ हो गया है। कहीं मशीन से हो रहे हैं, कहीं मैनुअल हो रहे हैं। अब ये जगह थोड़ी सी हार्ड है, इसलिए ट्रैक्टर के साथ हाइड्रोलिक मशीन ये लगाई है और इससे गड्ढे करने का काम चालू हो रहा है। ये निश्चित रूप से 51 लाख पेड़ लगाना है, उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इंदौर शहर का हर एक व्यक्ति शपथ ले कि मैं 10 पेड़ लगाऊंगा और लगाने के बाद उसको देखने भी जाऊंगा। यहाँ पर BSF के हमारे असिस्टेंट कमांडेंट साहब ने बोला कि इस पूरे परिसर की जवाबदारी हमारी है, आप जितने पेड़ लगाओगे उतने उसकी रक्षा करने का काम हमारा है। यहाँ लगभग 2.5 लाख पेड़ लगने वाले हैं, ये पूरा एक हरित जंगल बन जाएगा और इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप सब इस हरित क्रांति के लिए अपना तन मन धन से सहयोग करें। हम 51 लाख पेड़ लगाकर पूरे देश नहीं दुनिया के अंदर इंदौर का डंगा बजाएंगे।